हेलो स्टूडेंट आज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ में ये थर्ड लेक्चर है थर्ड और कंक्लूजिंग लेक्चर है तो इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी आई आर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है मतलब जो ये डिवाइस है इंस्ट्रूमेंट है ये फंक्शन कैसे करता है किस तरीके से बना हुआ रहता है और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि, कि किस तरीके से आई आर स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है उसका हम किस तरीके से मतलब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो इस चीज़ को देख रहे हैं आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अभी तक उसकी प्रिंसिपल थ्योरी और उसके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की थी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरेशन ऑफ पीक किस तरीके से होती है और पीक की जनरेशन के बाद उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं आज आइए देखते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आयर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसा कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा था तकरीबन तकरीबन उसी तरीके का बना हुआ ये आयर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है आप इसको देखिए इसमें भी एक लाइट का सोर्स चाहिए होता है और ये लाइट का सोर्स जो होता है इससे लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि ऑब्वियस सी बात है किस रीज़न की होगी आई आर रीजन की होगी है ना आई आर रीजन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ आई आर का रीजन जो है जो हम वर्किंग जो रीजन जिसको हम बोलते हैं जिस रीजन में हम लोग काम करेंगे वो आई आर का जो रीजन कहलाता है उसे मिड आई आर रीजन कहते हैं है, है ना तो मिड आई आर रीजन में जो लाइट पड़ती है जो कि 2.5 नैनोमीटर से लेकर के 2.5 नैनोमीटर से लेकर के और 25 नैनोमीटर तक की लाइट होती है माइक्रोमीटर की सॉरी ये वाली लाइट जो है इसमें हम यूज़ करते हैं इस स्टडी में तो आपके लिए ये सिंपल स्केच ड्रॉ किया गया है जो कि आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को रिप्रेजेंट करता है अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है तो देखिए इसमें जो सबसे पहला पार्ट है बच्चों वो ये पार्ट है इस पार्ट को कहेंगे सोर्स सोर्स ठीक है सोर्स जो कि लाइट को प्रोड्यूस करता है लाइट सोर्स कहलाता है लाइट निकलने के बाद कुछ मिरर से गुजरती है तो आप इसको M1 वन मिरर कह सकते हैं कि पहला सेट ऑफ मिरर जो है और ये मिरर से टकराने के बाद लाइट डायरेक्ट होती है हमारे सेल्स में आप इसको सैंपल सेल कहें और इसको रेफरेंस सेल कहें तो इस सेल की तरफ से होकर के ये लाइट आगे बढ़ती है और दूसरा सेट ऑफ मिरर जिसे मिरर मिरर कह सकते हैं इस M2 पे जाके ये इंक्लाइन होती है इसमें पढ़ने के बाद ये दोबारा से डायरेक्ट होती है एक चॉपर में चॉपर में एक पड़ती है डायरेक्ट होती है और चॉपर से टकराने के बाद ये फिर हॉरिजेंटली इसके बाद आगे बढ़ के मोनोक्रोमीटर डिटेक्टर और फिर इसके अलावा प्रोजेक्टर या फिर रीड आउट रीड आउट डिवाइस में पड़ती है और हमारे को यहां से जो है स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है ठीक है तो ये बहुत सिंपल सा स्केच है मैं आप लोगों को ये जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको तो बता नहीं सकता क्योंकि वो तो एक मैकेनिकल इश्यूज हैं कि वो किस तरीके से बने हुए रहते हैं उनमें किस तरीके का मतलब सारा मैकेनिकल तामझाम है मगर आप इसको जिस चीज़ से आप कंसर्न हैं आप वो इस चीज़ से कंसर्न है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है तो मैंने आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है अच्छा, अच्छा अब इसमें से हर पार्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपको जानना जरूरी है कि ये बेसिकली कैसे काम करते हैं तो पहला जो पोर्शन हम लोग इसमें देख रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं सोर्स तो सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स मतलब वो चीज़ जो कि लाइट प्रोड्यूस करेगी आप लोगों को क्योंकि पता है हमें हर तरीके की लाइट नहीं चाहिए हमें कोई डेफिनेट लाइट चाहिए और उसका एक डेफिनेट पर्पज़ है इसलिए मुझे वही लाइट प्रोड्यूस करने वाला एक सोर्स चाहिए यूं समझ लीजिए कि एक लैंप चाहिए है ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें लाइट प्रोड्यूस करनी थी वो 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में थी इसलिए हमारे को उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो लैंप चाहिए होते हैं हम ड्यूटेरियम लैंप या फिर टंगस्टन लैंप का यूज़ करते हैं या फिर मर्करी आर्क का भी यूज करते हैं उसमें मगर यहाँ पे वो सारे के सारे लैंप चलेंगे नहीं क्योंकि इसकी जो लाइट की रेंज है वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 25 माइक्रोमीटर तक की है जिस वैल्यू को हमने आप लोगों को समझाया था वेव नंबर में 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में तो इस रीजन में प्रोड्यूस करने के लिए लाइट को फोर सेंटीमीटर इनवर्स से सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो सोर्स चाहिए वो सोर्स इनके लिए स्पेसिफिक होंगे तो मैं दो सोर्स आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक सोर्स का नस्ट ग्लोवर और एक सोर्स आता है बच्चों इसका ग्लोबर सिस्टम तो ये दो तरीके के इसमें सोर्सेस हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस हमारे यूज होते हैं एक का नाम हमने बताया नस्ट ग्लोवर और एक का नाम हमने बोला ग्लोबर सिस्टम ठीक है तो ये वाला नस्ट जो ग्लोबर है बेसिकली इसकी कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो ये इट्रियम जर्कोनियम और इर्बियम इनके ऑक्साइड्स मैंने बोला जिरकोनियम इट्रियम और इर्बियम इनके ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि ये 93 रेशियो 6 रेशियो 1 के कॉम्बिनेशन में ये हमारे को जो मिलता है ये नस् ग्लोवर कहलाता है इसकी बहुत बड़ी बड़ा एडवांटेज ये है कि इस रेंज की जो ये लाइट प्रोड्यूस करता है जो ये हमारे इंटरेस्ट की रेंज है उसको प्रोड्यूस तो करता है साथ साथ उसकी इंटेंसिटी जो लाइट है उस इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी क्या रहती है वेरी हाई रहती है ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमारे को जो भी लाइट चाहिए वो रेंज की भी चाहिए और साथ साथ उसकी इंटेंसिटी हाई भी चाहिए देखिए हमारा जो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो तो ठीक मगर जो बच जाती है हम केवल उसी को डिटेक्ट करते हैं तो हमारे को बची हुई लाइट से कंसर्न है इसलिए हमारे को हमेशा इतनी पर्याप्त मात्रा में लाइट पैदा करनी है जो कि एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच जाए वो भी ज्यादा से ज्यादा हो अदरवाइज वो अगर बहुत वीक रहेगी तो मे भी पॉसिबल कि हमारे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करने में या सेंस करने में गलती कर जाए या न पढ़ पाए तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे वेरी हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस करना इसकी जिम्मेदारी है इसके अलावा तकरीबन थाउजेंड से सेवनटीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ये लाइट प्रोड्यूस होती है जो ये लाइट हमारे इंटरेस्ट की लाइट है इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है इतने टेम्परेचर में जब इसको गर्म करते हैं बेसिकली ये जो नस्ट ग्लोवर है ये एक तरीके से आप यूं समझिए रॉड है रॉड भी कैसी होलो रॉड ठीक है ये एक हॉलो रॉड है मान लीजिए कि जैसे ये मेरा पेन है है ना ये पेन अगर अंदर से खोखला है तो इस तरीके की ये रॉड है हाँ इसकी साइज इसका फोर एम mm एम डायामीटर और फिफ्टी एम एम लेंथ है इसकी तो इतनी लंबाई और चौड़ाई की ये एक रॉड है जिसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करने से इसके अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है इतना ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स कि वो रेडिएशन करना शुरू कर देते हैं और जो फोटोन्स रिलीज होते हैं जो लाइट रिलीज होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो वही एनर्जी होती है जिस एनर्जी की लाइट हमारे को चाहिए तो ये मैंने आपको सिंपल करके समझाया इसके बाद दूसरा सिस्टम जो है ये ग्लोबल सिस्टम है ये ग्लोबल जो लैंप है ये बेसिकली एक सेंटर्ड सिलिकन की रॉड है यह भी बिल्कुल रॉड है और यह टू एम डायमीटर की टू एम डायमीटर और फिफ्टी एम लेंथ की एक सिंटर्ड सिलिकन रॉड है जिसे कि तकरीबन तकरीबन थर्टीन हंड्रेड से और टू डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म करने पर मतलब तकरीबन सेम रेंज में इसको गर्म करने पर इससे क्या होती है रेडिएशन निकलती है इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज़ है नर्स ग्लोवर की कंपैरिजन में कि इसकी इंटेंसिटी जो होती है इंटेंसिटी ये नर्स ग्लोवर की कंपैरिजन में लो होती है तो लो इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी के कारण ये थोड़ा सा एक इंफीरियर सिस्टम माना जाता है जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इसमें नस्ट ग्लोवर होता है तो ये चीजें आप याद रखेंगे ये पहला सिस्टम आपको बताया गया जो कि सोर्स है ठीक है अब सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट को आप कुछ रोटेटिंग मिरर देखिए ये M1 जो मिरर लगे हुए हैं ये रोटेटिंग मिरर है मतलब आप इसको जैसे ही एडजस्ट करते हैं तो ये रोटेट होकर के अपनी पोजीशन ले लेते हैं ये रोटेटिंग मिरर जो है ये आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर क्या करता है हमेशा रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को डायरेक्ट करता है किस तरफ आप देख रहे हैं सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में तो जो सैंपल रखा हुआ है या फिर जब नहीं रखा हुआ है तब रेफरेंस सेल है तो दो भागों में आने वाली लाइट को ये भेजता है एक लाइट तो जाएगी सैंपल को चेक करके आगे और एक ऐसे आगे जाएगी कि सैंपल नहीं था उसके बिना कितनी लाइट आगे पहुंच रही है तो यहां से कंपैरिजन हो जाएगा कि टोटल कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है देखिए अगर फाइव मान लीजिए लाइट लाइट से से गई दस लाइट यहां से गई और यहां पे दो ही लाइट निकली जबकि यहां पे दस लाइट निकली तो पता चल जाएगा ना कि दस की दस बार निकलनी चाहिए थी दो बार निकली तो आठ आठ क्या हो गई एब्जॉर्ब हो गई तो इस तरीके से एक कंपैरिजन किया जाता है किससे ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में कितनी कि लाइट एब्जॉर्ब होगी ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस ये दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल हैं तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये देखते हैं कि ये जो सैंपल है इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की प्लस किस किस वेवलेंथ की या किस वेव नंबर की लाइट इसने एब्जॉर्ब की इस चीज से आपको स्पेक्ट्रा आगे जाकर के मिलना है अब ये जो सैंपल सेल है ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है सैंपल सेल सैंपल सेल देखिए आपने यूवी भी पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि जो सैंपल होल्डर या सैंपल सेल होते हैं ये इस तरीके के मटेरियल से बने हुए होने चाहिए जो कि खुद या स्वयं से क्या ना करते हो लाइट को एब्जॉर्ब ना करते हो या फिर यूं कह सकते हैं कि जो लाइट इससे होकर गुजर रही है उसके लिए ये सैंपल होल्डर या सैंपल सेल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ठीक है जी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शीशा है ग्लास है तो ग्लास जो है विजिबल लाइट के लिए क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है आप इधर से उधर चले जाती है लाइट मगर वहीं पे अगर यूवी लाइट को डालेंगे तो वो ग्लास सेल से जो है ना पार नहीं हो सकती ग्लास के एक ग्लास से एक शीशे से पार होकर के दूसरी तरफ नहीं जा सकती या कुछ अमाउंट उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी इसी तरीके से आईआर रेडिएशन भी जो है ग्लास या क्वाड से ट्रांसपेरेंटली पार नहीं हो सकती तो इसके लिए यूज होने वाले सैंपल कैसे सैंपल सेल के मटेरियल कैसा होना चाहिए जिसके लिए आईआर क्या है आईआर जिसके लिए इनएक्टिव है या फिर आई आर जिसमें नहीं होता ऐसे मटेरियल बच्चों क्या हो सकते हैं ऐसे मटेरियल वो हो सकते हैं जो कि आई आर में मोलिकुलर वाइब्रेशन न दिखाते हो और कौन लोग हैं जो कि मोलिकुलर वाइब्रेशन नहीं दिखाते जनरली उन्हें क्या कहते हैं हम लोग डाया मॉलिक्यूल्स बोला था हमने होमो डाया मॉलिक्यूल्स तो वैसे तो वो वाले जिनके कि डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं उनको हम यूज करते हैं मगर इसमें यूज किया जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स ठीक है आयनिक कंपाउंड्स में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता और चूंकि कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता इसलिए वहां पे कोई बॉन्ड स्ट्रेचिंग या बॉन्ड बेंडिंग जैसे फिनोमिना नहीं होते लाइट उसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है और लाइट आगे बढ़ जाती है तो आयनिक कंपाउंड में जनरली यूज होने वाला कंपाउंड है के बी आर इसी तरीके से एक एन भी यूज हो सकता है सोडियम ब्रोमाइड या फिर NaCl भी यूज हो सकता है या फिर के भी यूज हो सकता है तो ये जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं ये क्या होते हैं पैलेट की फॉर्म में होती हैं आपने NaCl मतलब घर में नमक यूज जैसे करते हैं आपने तो देखा ही होगा उसके डले होते हैं छोटे छोटे है ना तो वो जो छोटे छोटे पैलेट्स हैं उनके बीच में अपने सैंपल को रखते हैं और सैंपल को रखने के बाद उसको क्या कर देते हैं स्क्वीज कर देते हैं या फिर प्रेस कर देते हैं उसे बोलते हैं इनका प्रेस मशीन है ना तो वो मशीन की हेल्प से उसको प्रेस कर देते हैं ताकि जो भी ड्रग आपका या जिसको भी आप स्टडी कर रहे हैं वो इन दोनों पैलेट्स के बीच में स्क्वीज हो जाए और अंदर रहे और बाकी चीजें बाकी उससे स्प्रेड ना हो पाए इधर उधर है ना तो ये आयनिक कंपाउंड से बने हुए सैंपल होल्डर होते हैं एक बात यहां पे और डिस्कस करनी चाहिए हमारे को कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी तरीके का सैंपल यूज किया जा सकता है किसी भी तरीके का मतलब इसमें लिक्विड सॉलिड या गैस तीनों में से किसी भी तरीके के सैंपल को आप यूज कर सकते हैं देखिए अगर आपके पास सॉलिड मटेरियल है तब तो आप सॉलिड मटेरियल को उन दोनों पैलेट्स के बीच में डाल करके बनाई देंगे मगर अगर आपके पास लिक्विड मटेरियल है तो लिक्विड मटेरियल के भी एक ड्रॉप आपने जो है एक बूंद आपने उन दोनों पैलेट्स के बीच में प्रेस कर ली तो वो भी कहीं नहीं जा सकती अब है, है ना तो वो भी सैंपल आपका यूज हो जाएगा एज इट इज सैंपल होल्डर में उसके अलावा गैशियस अगर आपका मटेरियल है फॉर एग्जांपल तो उस द, उस गैस को आप क्या करेंगे किसी ना किसी सूटेबल लिक्विड में या सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद उस सोल्यूशन को आप आगे यूज कर सकते हैं तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाइड वराइटी ऑफ सैंपल्स को क्या कर सकता है इवेलुएट कर सकता है ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे जानी इसके बाद जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उसके बाद बची हुई ट्रांसमिटेड लाइट को दूसरे नंबर के मिरर पे डायरेक्ट किया और इस मिरर ने इसको चॉपर पे भेजा मतलब ये इस तरीके का एक 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 फिनोमिना इस तरीके का किया जा रहा है कि लाइट जो है हॉरिजेंटल हो जाए जो कि मशीन है उसकी हॉरिजेंटल हो जाए मेन कंपोनेंट के हॉरिजेंटल हो जाए और इस चॉपर के थ्रू इसको फिर मोनोक्रोमेटर यूनिट में इंसिडेंट इन, इन, किया गया जो भी लाइट आपकी बाहर निकलती हुई ट्रांसमिटेड लाइट थी उसको मोनोक्रोमीटर में भेजा मोनोक्रोमीटर यूनिट एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करती है और तकरीबन उसी तरीके की बनी हुई होती है जैसे यूवी में बनी हुई होती है तो आपको याद रखना है कि मोनोक्रोमीटर यूनिट यूवी में डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना में काम करती है तो डिस्पर्जन के लिए हमारे पास ग्रेटिंग सिस्टम यूज होता है और रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास प्रिज्म सिस्टम यूज होता है तो द मोनोक्रोमीटर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेटिंग एज वेल एज प्रिज्म तो दोनों की यूनिट से मिलकर के एक मोनोक्रोमीटर यूनिट जो होती है ये आगे जाकर के इससे लाइट को छांटने के बाद मतलब जो भी एक्स्ट्रा लाइट इसमें आ गई है मटेरियल से स्कैटरिंग के थ्रू या फिर एमिशन के थ्रू उनको एक दूसरे इससे अलग करके केवल ट्रांसमिटेड लाइट को ही आगे डिटेक्टर की तरफ डायरेक्ट करती है और डिटेक्टर वहां पे आकर के आने वाली लाइट को सेंस करता है तो डिटेक्टर सिस्टम का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल है तो यहाँ पे आपको ये चीज भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़नी है कि डिटेक्टर सिस्टम इसमें कौन कौन से होते हैं ठीक है तो डिटेक्टर सिस्टम बच्चों इसमें जो यूज होते हैं वहां पे जब हमने आपको पढ़ाया था यूवी और विजिबल वाले में तो वहां वहां पे हमने आपको बताया था वहाँ के डिटेक्टर सिस्टम होते हैं फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब या फोटो वोल्टिक सेल यहां पे जो डिटेक्टर सिस्टम होता है वो डिटेक्टर सिस्टम वो <laughs> वो कुछ स्पेशल डिटेक्टर सिस्टम होते हैं जैसे एक डिटेक्टर सिस्टम का नाम अगर हम लें तो उसको बोलते हैं बोलोमीटर 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 एक एडवांस डिटेक्टिंग सिस्टम है जो कि आने वाली बहुत ट्रेस अमाउंट ऑफ लाइट को भी क्या करता है रीड आउट कर लेता है पढ़ लेता है सेंस कर लेता है अब ये सेंस कैसे करता है बच्चों बोलोमीटर की जो वर्किंग है बेसिकली बोलोमीटर एक कंडक्टिंग मेटल का बना हुआ है कंडक्टिंग 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 मेटल का बना हुआ है ये ठीक है इसमें जो मेटल लगा हुआ है वो एक कंडक्टिंग मेटल है और आने वाली लाइट के पड़ने के बाद इसमें क्या होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने से इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का फ्लक्चुएशन हो जाता है फ्लक्चुएशन जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए था उसमें फ्लक्चुएशन हो जाता है क्योंकि जैसे ही उसको गर्म करते हैं इसमें इसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है इस मेटल की क्या हो जाती है रजिस्टेंस इंक्रीज रजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है ना तो आप यूँ समझिए ये जो बोलोमीटर है कंडक्टिंग मेटल का बना हुआ डिवाइस है जिसमें जैसे ही वो लाइट पड़ती है वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण ये जो मेटल है इसका रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी या फिर वो जो लाइट जो इसमें पड़ी थी जिसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की वो फ्लो जो है फ्लक्चुएट करने लग जाता है यही फ्लक्चुएशन एज ए सिग्नल रिकॉर्ड होते हैं इस बोलोमीटर डिटेक्टर में यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म है यह इसी तरीके से एक और डिटेक्टर होता है उसको कहते हैं थर्मोकपल थर्मोकपल डिटेक्टर डिटेक्टर यह थर्मोकपल डिटेक्टर।, थर्मो डिटेक्टर क्या है यह भी एक तरीके से मेटल का बना हुआ है मगर इसमें सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस लगे हुई हैं इसमें किस तरीके के मेटल लगे हुए हैं सेमी कंडक्टर टाइप के मेटल लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तो करते हैं मगर अंडर सरकम कहने का मतलब हीट जब रहेंगे तब तो फ्लो करेंगे और जब वो ठंडे रहेंगे तब वो फ्लो नहीं करेंगे तो सेमी कंडक्टर डिवाइस से मिल के बना हुआ ये थर्मोकपल डिटेक्टर जिसमें एक हॉट जंक्शन या हॉट पॉइंट और कोल्ड जंक्शन कोल्ड जंक्शन दो तरीके के टेम्परेचर के रीजन मिलते हैं देखिए ये वाला वो रीजन है जहाँ पे कि आने वाली लाइट पड़ेगी आने वाली लाइट जब इसमें पड़ती है तो ये वाली जगह क्या हो जाती है हॉट हो जाती है गर्म हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ट्रेवल करती है इस तरफ है ना ये दोनों अलग अलग तरीके के वायर हैं दोनों अलग अलग तरीके के सेमी कंडक्टर हैं से इन दोनों में से अलग अलग रेट से फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी इधर जाती है तो एक वायर इसमें रिलेटिवली ज्यादा गर्म हो जाता है और एक वायर रिलेटिवली कम गर्म हो जाता है जिस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के रूप में रिकॉर्ड होता है और वही डिटेक्शन के लिए स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करने का काम करता है तो ये थर्मोकपल डिटेक्टर इसको भी आप लोगों ने समझा दो तरीके के डिटेक्टर अभी तक हमने देख लिए बोलोमीटर और थर्मोकपल डिटेक्टर इसके अलावा एक और डिटेक्टर होता है उसे थर्मिस्टर डिटेक्टर कहते हैं थर्मिस्टर डिटेक्टर जो है यह फ्यूज्ड मेटेलिक ऑक्साइड का बना हुआ रहता है फ्यूज्ड मेटेलिक ऑक्साइड का फ्यूज्ड मेटेलिक ऑक्साइड्स का बना हुआ रहता है और इसका जो प्रिंसिपल काम करने का है यह बोलोमीटर के तकरीबन ऑपोजिट का है इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो लाइट प्रोड्यूस हुई उसके पड़ने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने ह, होता है और वो इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कम बढ़ा देता है जबकि थर्मिस्टर जो रिडक्टर हैं उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ रेजिस्टेंस जो होता है कम हो जाता है और इस समय इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है कहने का मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के फ्लक्चुएशन के कारण सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं मगर जो फ्लो में जो फ्लक्चुएशन आया वो क्वाइट अपोजिट टू दैट ऑफ बोलोमीटर है इसलिए थर्मिस्टर डिटेक्टर को आप यूं समझ सकते हैं कि ये इसके अपोजिट फिनोमिना में काम करता है थर्मिस्टर डिटेक्टर कहलाता है तीन तरीके के ये जो डिटेक्टर आपने पढ़े ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रचलन में आने वाले डिटेक्टर हैं मगर इसके अलावा भी एक दो डिटेक्टर हैं जैसे एक एक डिटेक्टर का नाम आता है गोले डिटेक्टर गोले डिटेक्टर और एक और डिटेक्टर है फोटो कंडक्टिविटी डिटेक्टर तो ये पांच तरीके के डिटेक्टर जो है सबसे ज्यादा इनेबल होते हैं आ, ये इन डिवाइसेस में आईआर डिवाइसेस में और इनके बाद ये जो है रीड आउट डिवाइस में एज ए स्पेक्ट्रा प्रिंटर्स के थ्रू आपको स्पेक्ट्रा मिलता है जिसको कि इंटरप्रिटेशन करना ये अब हमारा नेक्स्ट काम है हमारे को इसके बाद क्या है जो स्पेक्ट्रा हमें प्रोड्यूस हुआ है हमें उसको पढ़ना है तो मैंने आपको ये सिंपल स्केच करके पूरी की पूरी मशीन के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वह है बच्चों इसका डेटा का इंटरप्रिटेशन ठीक है अब देखें डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे होता है बच्चों ये ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है और ये चीजें यू समझ लीजिए कि जिसको थोरो स्टडी होगी बस वही डेटा के इंटरप्रिटेशन पार्ट तक पहुंच सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली देखा जाए तो बात यहीं पे आकर के रुकती है अगर आपने पूरी एनालिसिस कर भी आपने सब कुछ पढ़ भी लिया आई के बारे में और आपको ये नहीं पता कि इसके डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है तो फिर ये तो यूजलेस सी सा मैटर हो जाएगा इसलिए आपको डेटा का इंटरप्रिटेशन वर्ल्ड के साथ एकटेड होना जरूरी है मैं ये मान सकता हूँ कि बी में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में ये डेटा इंटरप्रिटेशन लेवल तक पहुँच पाना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल ना हो मगर आपको अगर इसका अंदाजा है तो डेफिनेटली आप एमएससी में या फिर कहीं रिसर्च में जुड़ेंगे तो इसके बिना आपका काम नहीं चलता तो डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत नटशेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन को समझाते हैं देखिए डेटा जो होता है इन द फॉर्म ऑफ पीक आता है डेटा जो होता है आफ्टर अब्सॉर्प्शन आता है और इसमें जो डेटा आता है वो डेटा वेव नंबर के टर्म्स में हमारे पास आता है तो आपको और हमको क्या करना पड़ता है हर सिग्नल की एक एक्सपेक्टेड बाउंड्री होती है जिसको जानना जरूरी होता है मतलब हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल अगर इस रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अंदर किस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स होंगी बेसिकली हमें स्ट्रक्चर का इल्युसिडेशन करना है स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन मतलब वो पूरे का पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का है उसमें कौन से पोर्शन का क्या महत्व है या अगर ये वाला पोर्शन पॉसिब प्रोड्यू है उसके अंदर तो ये किस तरीके का स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेगा डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली इस चीज से डील कर रहा है तो आइए देखते हैं कि कहां कहां पे पॉसिबल पीक्स आती हैं और उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है तो सबसे पहला रीजन अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन में देखें देखिए फोर से और फोर सेंटीमीटर इनवर्स से और हमारे को सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच के रीजन को पढ़ना है ठीक है जी मान लेते हैं ये मेरा पूरा रीजन है जो इसमें मुझे स्टडी करनी है फोर थाउजेंड से सिक्स सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर इनवर्स अच्छा अब इस पूरे के पूरे रीजन में बच्चों हमारे को किस तरीके के <coughs> स्पेक्ट्रम किस तरीके के सिग्नल्स मिलेंगे हमें मोलिकुलर वाइब्रेशनल सिग्नल्स मिलेंगे क्या मिलेंगे मोलिकुलर वाइब्रेशंस मिलेंगे और मोलिकुलर वाइब्रेशंस में भी हमें क्या मिलेंगे दो तरीके की चीजें मिलेंगी एक स्ट्रेचिंग मिलेंगी और एक बेंडिंग मिलेगी ठीक है अब मैं आपसे अगर जनरली पूछूं कि कि आप मुझे बताइए स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में से ज्यादा एनर्जी के सिग्नल्स कौन से होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर कैसे देखना है देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास पेन है मैं आपको कहता हूं मुझे इसको बेंड करना है या फिर मुझे स्ट्रेच करना है इसमें से मुझे ज्यादा एनर्जी कब लगानी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको मोड़ तो सकता हूँ या फिर कोई मेटल की शीट है मैं उसको मोड़ तो सकता हूँ पर मेटल की शीट को खींचने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी वही मैं बात बोल रहा हूँ आपको आपको स्ट्रेचिंग हमेशा ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बेंडिंग के लिए रिलेटिवली कम एनर्जी में काम हो जाएगा है ना तो अगर हम इस वेव नंबर को एनर्जी के ही टर्म्स में देखें कि ये हायर एनर्जी वाला रीजन है और ये लोअर एनर्जी वाला रीजन है तो लोअर एनर्जी की तरफ हमें बेंडिंग जैसी चीजें मिलेंगी और हायर एनर्जी की तरफ हमारे को स्ट्रेचिंग मिलेंगी तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के जो पीक्स होंगी वो हमें इन दोनों टर्मिनल्स की तरफ मिलेंगी और एक ऐसी बाउंड्री होगी जिसके इस तरफ बेंडिंग होंगी और इस तरफ स्ट्रेचिंग होगी ठीक है तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इस रीजन के इस तरफ बेंडिंग बेंडिंग मिलेगी और इस तरफ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग मिलेगी ठीक है बच्चों तो यूं आप समझ लीजिए कि ये मैं बेंडिंग के बारे में बात कर रहा हूं और ये मैं स्ट्रेचिंग के बारे में बात कर रहा हूं अब एक बार और समझें कि बैंडिंग जो है, चार, है, है, जो है, है। चार तरीके की होती है है ना और स्ट्रेचिंग जो होती है दो तरीके की होती है आपको बताया था बेंडिंग चार तरीके की होती है ट्विस्टिंग रॉकिंग वैगिंग सीजरिंग और स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक होगी या सिमेट्रिक होगी मगर दो ही तरीके की होगी तो ये दो तरीके की पीक तो आ रही है इस रीजन में और ये चार तरीके की पीक आ रही है इस रीजन में ठीक है और ये हर पीक जो है हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के कॉम्बिनेशन को दिखा रही है चाहे वो सिंगल डबल या ट्रिपल है मगर हर डाइपोल या फिर हर कोवेलेंट कॉम्बिनेशन को ये बैंडिंग्स भी दिखाएंगी और ये स्ट्रेचिंग भी दिखाएंगी मतलब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ये सिक्स पीक मोटी मोटी बात समझे फोर पीक्स बननी है और यहां पे टू पीक्स बननी है उस प्रपोर्शन में पीक बननी है मतलब दो रेशियो में यहां बननी है और चार रेशियो में यहां बननी है तो इस छोटे इलाके में ज्यादा पीके देखने को मिलेंगी और इस बड़े इलाके में कम पीके देखने को मिलेंगी तो बच्चों होगा क्या अल्टीमेटली ये इलाके में पीक बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाएगी ठीक है तो आप देखेंगे कि छोटे से इलाके में

इस वाले रीजन को हम लोग जो बोलते हैं इंटरप्रिटेशन रीजन बोलते हैं इंटरप्रिटेशन रीजन बोलते हैं ठीक है मतलब अगर मुझे डेटा का इंटरप्रिटेशन करना है तो मैं चुपचाप से स्ट्रेचिंग वाले रीजन में जाऊंगा अपनी पीके उठाऊंगा उनके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स को मार्क करूंगा और मैं बोलूंगा जी कंपाउंड मेरा पॉसिबली ये है ठीक है जी मगर बेंडिंग वाले रीजन का फिर क्या फायदा हो गया तो देखिए बेंडिंग वाला रीजन जो है वो स्ट्रेचिंग वाले रीजन से कही, कही रीजन से कई कई ज्यादा इंफॉर्मेटिव है अगर इंफॉर्मेशन की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है जबकि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है हालांकि कंफ्यूजन और क्राउडिंग के चक्कर में हम लोगों ने इसको पहली बार नहीं देखा मगर अगर ऐसे केस आते हैं जबकि किसी दो कंपाउंड के लिए स्ट्रेचिंग एक जैसी है तो हम उन लोगों के माइन्यूट डिफरेंसेस को इस वाले रीजन में जाके पढ़ेंगे जो कि बहुत क्लियरली हर चीज के लिए बना हुआ होता है और ऐसे रीजन के लिए इसीलिए इसका नाम पड़ता है फिंगर प्रिंटिंग रीजन तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये वाला जो रीजन है इसको हम फिंगर प्रिंटिंग रीजन बोलते हैं जब दो कंपाउंड्स में हमने जैसे फॉर एग्जांपल दो आइसोमर हैं या फॉर एग्जांपल दो स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर आइसोमर होने के कारण क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स के स्ट्रक्चरल और मोलिकुलर फॉर्मूला एक सेम एक जैसा होता है तो जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक जैसा होता है मोलिकुलर फार्मूला एक जैसा होता है तो स्ट्रेचिंग भी मैग्जिम कंडीशंस में एक जैसी आती है अगर उनका डिफरेंस करना है तो वो डिफरेंस जो है उसके बेंडिंग रीजन से आता है तो ये मैंने आपको एक सबसे पहले सबसे मोटी बात बता दी, जिसको आपको थ्रू आउट इंटरप्रिटेशन के टाइम पे याद रखना है बच्चों ताकि आप लोगों का कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस ना हो जाए ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूं ये 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से छह सेंटीमीटर इनवर्स में अलग अलग जगह अलग अलग पीक्स पॉसिबली आती हैं तो सबसे पहला रीजन जो है हमारा वो है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है तो ये 3600 से 3100 का जो रीजन है 3600 से 3100 का रीजन जो है ये बेसिकली डील करता है एल्कोहल्स की पीक से किससे एल्कोहल्स की पीक से इसके अलावा अमीन की और अमाइड्स की पीक भी इसमें देखने को मिलती है बेसिकली एल्कोहल हो या फिर अमाइड हो कहने का मतलब है यहाँ पे इस तरीके की पीक जो है जनरली देखने को मिलती है ऑब्वियस सी बात है जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल उतनी दूर उसकी पीक आएगी तो ओ और एच के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है वो तभी कम हो सकता है जब यहाँ पे क्लोरीन या फ्लोरीन जैसी कोई चीज़ आए जो कि यहाँ पे आ नहीं सकती तो आप यूँ समझिए कि ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा वेव नंबर पे अपनी पीक दिखाता है मतलब 3600 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ कोई पीक अगर आ रही है तो अब आप आंख बंद करके देखेंगे कि यहाँ पे ओ और एच जैसी कोई चीज है ठीक है भाई बच्चों आपको पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए अब आपको बताया गया ओ OH एच वाली पीक है या NH वाली पीक है तो एन एच तो अमीन में भी हो सकता है अमीन में प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है टर्सरी भी हो सकता है एच OH में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है तो तकरीबन तकरीबन ये सब चीजों की पीकें जो है यहाँ पे आएंगी हालांकि इसका ब्लूप्रिंट नीचे कहीं मिलेगा तो वहां से हमें पता चलेगा ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी किस तरह का अल्कोहल है तो वहां पे अगर वो पीक आ जाती है तो ये दोनों जोड़ करके बताएंगी कि जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी है और इस तरीके के रूप में आ रखा है और इसी के अलावा एक चीज जो मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि अगर एल्कोहल है या फिर अमीन है फॉर एग्जांपल तो उनके साथ एक पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज लोअर्स द वेव नंबर तो आपको जो इसकी वेव नंबर जो आएंगे जो इसकी पीक आएगी आएगी वो रिलेटिवली लोअर नंबर की तरफ आएगी। जैसे कि थर्टी की जगह वो थर्टी टू थर्टी थ्री सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ शिफ्ट हो सकती है कहने का मतलब है वो किस कंडीशन में वहां पे मौजूद है वो डिपेंड करेगा अच्छा एक बात तो हो गई बच्चों ये दूसरी बात है ओ OH की पीक एल्कोहल के अलावा एक जगह और आती है जिसे कि हम कहेंगे एसिड्स के केस में है ना सी ओ ओ एच तो सी ओ ओ एच कंपाउंड अगर आपका हुआ तो अगेन उसके साथ भी एक ओ OH एच की पीक आएगी जो कि इतने हायर रीजन में देखने को मिलेगी और आप अगर उसको सिंप्लीफाई करके समझे तो आपको उसके लिए एक हिंट दी जाती है उसके लिए जो हिंट है बच्चों हमारे पास वो है हमें जो एक पीक मिलती है वो 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलती है मतलब मैं इसको पीक ना बोल के एक ब्रॉड सा स्पेक्ट्रा टाइप का बोलेंगे हम्प सा बोलेंगे कहने का मतलब पीक ऐसे ना होकर के पीक ऐसे हो जाएगी है ना तो ये थर्टी से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक आएगी तो ये वाली पीक हमें बताएगी कि यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है है ना तो यहाँ पे एक सी ओ ओ एच ग्रुप है जिसकी ओ एच स्ट्रेचिंग जो है हमने इस रीजन में रिकॉर्ड किए इस बम हम्प के रूप में रिकॉर्ड किए इसके अलावा बच्चों और जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पीक हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक पीक है इसमें थर्टी से थ्री सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की पीक ये जो पीक है ये बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में जो सी एच की स्ट्रेचिंग होती है ये उस चीज को रिप्रेजेंट करती है थर्टी टू हंड्रेड से थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की पीक जरूरी नहीं है, ये एरोमेटिक हो इसके अलावा ये सी सिंगल बाउंड एच की पीक को भी रिप्रेजेंट करती है कहने का मतलब अगर कहीं पे सी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की फॉर्म में प्रोड्यू में है अवेलेबल है तो उसकी पीक जो है आपको तकरीबन इस रीजन में दिख सकती है मगर जनरली ये पीक जो है एरोमेटिक के केस में आपको देखने को मिलती है या फिर अगर आपके पास एल्कीन इस तरीके से एल्कीन कोई है वहाँ पे सी एच है तो वहाँ पे भी ये देखने को मिलती है इसके अलावा एल्किन या एल्काइन एल्काइन में एक सी एच की पीक आप देख सकते हैं है ना इस तरीके की पीक देखने को मिलती है इसके अलावा आपको एक पीक थ्री थाउजेंड फिफ्टी से ट्वेंटी नाइन फिफ्टी के बीच में इस रीजन में जो एक पीक मिलती है वो सी एच टू ग्रुप की मतलब मिथाइल ग्रुप में सी एच की स्ट्रेचिंग है तो ये वाली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक होती है जो कि आपको देखने को मिलती है और इसके अलावा आपको ट्वेंटी नाइन फिफ्टी से ट्वेंटी एट फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में भी बच्चों एक पीक देखने को मिलती है जो कि मिथाइल ग्रुप में सी एच की स्ट्रेचिंग है तो ये इस तरीके की पीकें आपको जनरली जब देखने को मिलेगी तो आप इन वाले फंक्शनल ग्रुप के होने की संभावना उसमें टटोलेंगे इसके अलावा देखिए अगले 2260 से 2200, 2260 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में अगर आपको पीक मिलेगी तो आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि ये एक नाइट्राइल ग्रुप के या नाइट्राइल फंक्शनल साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के कारण ये पीक आ सकती है सी ट्रिपल बॉन्ड एन की पीक ही आ सकती है इसी तरह से तकरीबन तकरीबन 2250 के से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एक पीक आती है सी ट्रिपल बॉन्ड सी कहने का मतलब है C की पीक भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे नजदीक हो सकती है जिनको ट्रेस आउट करने के लिए आपको और भी पीकों की इसमें सहायता लेनी पड़ेगी तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पीक है इसके बाद एटीन से 1850 से बच्चों 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्रिक पीक एनहाइड्राइड की पीक आपको देखने को मिलती है एनहाइड्राइड्स की पीक देखने को मिलती है जैसे कि वहाँ पे कोई एक एनहाइड्रिक ग्रुप प्रेजेंट हो ठीक है तो ये एक 1850 से 1750 के बीच की पीक देखने को मिलती है इसी तरीके से 1750 से 1750 सेंटीमीटर से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो पीक देखने को मिलती है यह जनरली कार्बोनाइल ग्रुप्स की पीक मिलती है देखने को, ठीक है तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको पता है कार्बोनाइल में एल्डिहाइड, कीटोन अमाइड एस्टर एसिड्स इस तरीके के तमाम जितने भी ग्रुप हैं, इन सब के साथ इस पीक का होना जरूरी हो जाता है इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो आपके पास प्रॉब्लम दी जाती है उनमें आप 1750 से 1650 के बीच में एक पीक जरूर मान देखते हैं और जो कि इनमें से किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप के होने के बारे में बताएगी मगर आपको अगर इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो काउंटर पार्ट जो बच गया जैसे एसिड है तो इसमें ओ OH एच बच गया तो वो अलग जगह देखने को मिलेगी ऐसे करके आप लोग कंफर्म करेंगे कि ये वाला ही फंक्शनल ग्रुप है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो आपने यहाँ से देखा इसी तरीके से सेवेंटीन हंड्रेड सेन थर्टी के बीच में सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में भी आपको पीक देखने को मिल सकती है और ये पीक बच्चों जो होगी ये बेसिकली अमाइड की पीक होगी अमाइड मतलब इसमें जो अमाइड वाला पोर्शन है ये इस ये लोअर रीजन की तरफ होगा सिक्सटीन फिफ्टी या सिक्सटीन थर्टी के बीच में होगा इसलिए आप ट्रेस आउट कर लेंगे कि इतने नीचे जो आ रही है ये किस चीज़ की पीक है इसी तरीके से सिक्सटीन फिफ्टी से लेकर के सिक्सटीन हंड्रेड के बीच में जो पीक आती है बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स की पीक आती है जो ये आती है सी डबल बॉन्ड सी की पीक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब हो गया ये एक एल्कीन की पीक हो सकती है और सिमिलरली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड की पीक भी हो सकती है बच्चों जो ये यहाँ पे देखने को मिली है वही पीक आपने देखा था ये इसको करस्पॉन्ड करेगी सी डबल बॉन्ड सी वाली पीक इस 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 रीजन में आएगी एक पीक इसकी इस रीजन में आएगी तो दो पीकें अगर एक साथ आ जाती है तो आप बताएंगे जी इसमें या तो एरोमेटिक कंपाउंड है या ये कंपाउंड एल्केन है ना इस तरीके से आप लोग इन कॉम्बिनेशन को जोड़ करके बताएंगे कि किस तरीके का कंपाउंड है इसके अलावा एल्केन की ये तो आपको 1600 तक की जितनी भी मैंने पीक बताई ये तो बच्चों सारी की सारी पीक किस तरह की पीक है ये सारी की सारी पीक हैं हमारी स्ट्रेचिंग की पीक्स और बहुत इंपॉर्टेंट पीक है मगर स्ट्रेचिंग के अलावा बेंडिंग की भी पीकें आएंगी और मैंने अभी भी इसमें भी आपको ज़्यादातर चीज़ें काफी चीजें ऐसी हैं जो छोड़ दी हैं मगर मैं पहले राउंड में आपको केवल यही पीके बताऊंगा क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं पीक बताऊंगा कंफ्यूजन उतना बढ़ेगा जब तक ये पीके आपके दिमाग में सेट ना हो जाए इनसे बेस्ड क्वेश्चन ना हो जाए तब तक, तक आपको बाकी पीकों के बारे में शुरू ध्यान नहीं देना है ये तो हो गई हमारी स्ट्रेचिंग की पीक्स इसी तरीके से मेरे पास कुछ बैंडिंग्स की पीक भी बहुत इंपॉर्टेंट बैंडिंग पीक्स हैं है ना तो बैंडिंग की तो मैं केवल आपको दो या तीन पीकें बताना चाहता हूँ जो कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पीक्स हैं तो फी पीक में एक तो फोर्टीन के तकरीबन की पीक मतलब ये इससे प्लस माइनस ट्वेंटी अगर चेंज हो जाती है तो ये वाली पीक जो है हमेशा हमारे एल्केन की पीक होती है एल्केन एल्केन में सी एच बॉन्ड की बैंडिंग जो देखने को मिलती है ये बैंडिंग इसके इस रीज़न में देखने को मिलती है बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पीक है इसके अलावा 1250 से लेकर के 1250 से लेकर के 1150 और इसके अलावा 1050 इस रीज़न में जो पीक आती है वो हमारे पास टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल्स में ओ OH एच की बैंडिंग पीक आती है किसकी ओ OH एच की बैंडिंग की पीक आती है तो यह भी पीक आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि आपका अगर अल्कोहल आया तो आप अल्कोहल में यह भी देखना चाहेंगे कि यह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से किस तरह का अल्कोहल है और एक और इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पीक जो है वो वन सेंटीमीटर इनवर्स नाइन सेंटीमीटर इनवर्स और इसके अलावा 950 से लेकर के 850 सेंटीमीटर इनवर्स इस तरीके की तीन पीके अगर आपको तीनों में से कोई एक पीक अगर आपको दिखती है तो ये वाली पीक आपको हमेशा मोनो डाई एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ इशारा करेंगे किसकी तरफ मोनोडाइर ट्राई सब्सटूटेड बैंजिन आपके पास है मतलब अगर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स में है तो मोनो सब्सटूटेड हो गया और और ट्राई तो इस तरीके की बैंजिन अब जैसे ये मैंने आपको एरोमेटिक या बेंजिन रिंग के बारे में बताया तो इसकी एक पीक अगर इनमें से इनमें से कोई एक है तो एक पीक यहाँ पर भी आई होगी इसकी जो हमने बोला था चौदह में चौदह <coughs> में ये वाली पीक भी एक आई होगी और एक पीक इसकी यहाँ पर भी आई होगी थर्टी और थर्टी टू हंड्रेड से थ्री थाउजेंड के बीच में तो ये सारी पी के जुड़ करके बताएंगे आपको कि आपका एरोमेटिक रिंग कंफर्म हो रहा है मोनो सब्स्रिप्शन कंफर्म हो रहा है या डाई सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो रहा है ये डेटा इंटरप्रिटेशन का तरीका है तो बच्चों मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको जो बातें बताई आप इसको क्वेश्चन में करें और कोई भी चीज अगर आपको प्रॉब्लम में आती है तो जैसे मेरी ई मेल आई डी यहाँ पर दी हुई है या हमारा जो भी कॉन्टैक्ट आपको दिया हुआ है आप इसमें अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स इसका सोल्यूशन भेजने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी एक चीज ये और बहुत नट शैल में मैं आप लोगों को और एडवाइस कर रहा हूँ इसकी जो एप्लीकेशंस जो हैं वो भी आप समझ लीजिए देखिए आई आर स्पेक्ट्रोस्कोप एक बहुत वाइटल रोल कर रही है ये यू वी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था यू वी बहुत लिमिटेड है जो काम करती है बहुत दमदार तरीके से करती है मगर बहुत लिमिटेड स्कोप है उसका आईआर .E का तो .E के बिना आप काम नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते आईआर .E हर फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के देती है इसलिए आप इसको क्वालिटेटिव में सबसे बेस्ट टेक्निक कहेंगे एक तो इसका रोल क्वालिटेटिव में हो गया कई हद तक क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है आज के डेट में फूरियर ट्रांसफॉर्म आई आर टेक्निक जो है वो इसके एक एडवांस मॉडल है जो कि इसके क्वांटिटेटिव में डेडिकेटेड टेक्निक है इसके अलावा तीसरी तीसरी बात अगर हम इसमें कहें तो इम्प्योरिटीज का डिटेक्शन बहुत शानदार तरीके से इंप्योरिटीज को डिटरमाइन करती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि बहुत ट्रेस में अगर आपने किसी सैंपल के अंदर इंप्योरिटी डाल दी तो ये उसको भी निकाल करके पता कर देगी कि भाई इतनी इंप्योरिटी के अंदर पड़ी हुई है डिटर्मिनेशन का काम हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तकरीबन थ्रू आउट सारे के सारे कंपाउंड जो आ रहे हैं वो सारे के सारे आई आर एक्टिव होते हैं कहने का मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऐसा है जिसको कि आई आर से पढ़ा जा सकता है इसी के कॉन्ट्रेरी अगर आप रमन स्पेक्ट्रा को देखें तो रमन में भी मोलिकुलर वाइब्रेशन ज़रूर आते हैं मगर वो इससे काफ़ी हद तक क्या हो रहा है काफ़ी हद तक इन्फीरियर सिद्ध हो रहा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को डिटरमाइन किया जा रहा है बहुत सरल इंस्ट्रूमेंटेशन है बहुत ईजिली बनाया जा सकता है डेटा को इंटरप्रेट बहुत ईजीली किया जा सकता है इसलिए ये टेक्निक बहुत शानदार हो रही है जितने भी टाइप के सैंपल है सॉलिड है लिक्विड है, है, सबको डिटरमाइन करने के लिए नायाब टेक्निक है इसलिए इस टेक्निक के बिना केमिस्ट्री के फील्ड में आप ज्यादा महारत हासिल नहीं कर सकते ये बहुत जरूरी चीज है आपको उसको ध्यान रख लेना चाहिए थैंक यू सो मच बच्चों